डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? आमिर खान को फिल्मलाल सिंह चड्ढा के शूट के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्या इस वजह से फिल्म के शूट में डिले हो जाता है, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि बॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा फिल्म लाल सिंह चड्ढा का शूट जोरों शोरों से इंडिया के 100 लोकेशंस पर जारी हो चुका है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कोविड के इस टाइम में अब आप घर बैठे बैठे और ज्यादा बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए मिलने वाला है पूरे इंडिया का टूर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आमिर खान की लगन इस फिल्म को देखकर साफ दिख रही है, उन्होंने इस फिल्म के एक एक एस्पेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान दिया है। तो अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आमिर खान कभी दिल्ली में तो कभी मुंबई में, अगले दिन गुजरात में तो उसके एक दिन बाद लद्दाख में नजर आते हैं। यानी कि आमिर खान अपनी इस फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए इधर उधर करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हाल ही में फिल्म के सेट पर शूट करते हुए आमिर खान को काफी गहरी रिब इंजरी हो गई थी। वो दरअसल एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे, जिसके दौरान उन्हें कुछ स्टंट परफॉर्म करते हुए चोट लग गई। लेकिन दोस्तों, अब ये आमिर खान है, इन्हें ना तो कोई ऊंचा पहाड़ और ना ही कोई मुश्किल कुछ भी नहीं रोक सकता। अगर इन्होंने एक बार कुछ करने की ठान ली ना, तो उसे कर ही चैन से बैठते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ, उन्हें चोट तो लग गई, लेकिन उन्होंने अपनी इस चोट को इग्नोर किया। उन्होंने थोड़ी बहुत पेन किलर्स ली और कहा कि चलो शूट वापस से करते हैं। अब भाई, आमिर खान ने इसके बाद एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि मुझे पता है इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए सब कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है कि हर शूट लोकेशन पर कितनी अरेंजमेंट्स की जा रही हैं सिर्फ मेरी वजह से, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इन छोटी छोटी चोटों के पीछे अपने शूट को डिले करूं। तो दोस्तों, ये क्वालिटी कम लोगों में होती है जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। आमिर खान एक बहुत अच्छे एक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इससे पहले भी फिल्म के शूट के दौरान आमिर खान काफी परेशानियां झेल चुके हैं, उन्हें इससे पहले फिजिकल एक्सर्शन का शिकार भी होना पड़ा था। जी हाँ, फिल्म के शूट में काफी ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद आमिर खान फिजिकली एक्सर्ट हो गए थे, यानी कि उनके शरीर की जान खत्म हो गई थी। और इतना ही नहीं, उनमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी। लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आमिर खान वॉज एज यूजुअल बैक टू बेसिक्स। और दोस्तों, इस वजह से आमिर खान ने कभी भी अपनी फिल्म का शूट डिले नहीं होने दिया। और आप सभी को बता दूं कि आमिर खान इस फिल्म को लेकर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इतनी चोटें खाने के बावजूद, इतनी मुश्किलें झेलने के बावजूद, अगले ही दिन आमिर खान हमें नजर आए नोएडा के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिल्म के कुछ सीन्स शूट करने के लिए। शायद अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आमिर खान कितने ज्यादा डेडिकेटेड है, कितने ज्यादा इस फिल्म को लेकर सीरियस है। तो दोस्तों, आमिर खान तो इस फिल्म के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। क्या आप लोग इस फिल्म के लिए रेडी हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।